जीएनएन न्यूज से मैं हूं मुस्तफा खान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बॉम्बे के आजाद नगर मैदान में एमएसएफ के जवानों ने किया धरना प्रदर्शन। पूरी सैलरी ना मिलने के कारण इन जवानों ने किया धरना प्रदर्शन, परंतु इनकी मांगों को सुनने की बजाय इन्हें कैद किया गया, इन्हें अरेस्ट किया गया। पूरा मामला क्या है, इसका जायजा लिया जीएनएन न्यूज की संवाददाता राशि चौधरी ने। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राशि चौधरी और जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खास खबर, बॉम्बे के आजाद मैदान में एमएसएफ के जवान जो अपना धरना प्रदर्शन को लेकर अपनी मांगे मांग रही है, लेकिन इनकी मांगे कोई भी मंत्री आज तक सुनवाई नहीं कर रहा है। इनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाले जा रहे हैं और जो ज्वाइन है नौकरियों पे उनको राजीनामा दिया जा रहा है कि उनको नौकरी पे हाजिर नहीं हो सकता। इनको महीने की सैलरी 30 से 35 हजार रुपए मिलती है, लेकिन इनको सिर्फ 10 से 14 हजार रुपए दिए जाती है। इसका जिम्मेवार कौन है, क्या ये पैसा कौन सा खर्चा कर रहा है और कौन सा अधिकारी इस पैसे को लेकर आ रहा है और इन लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। इसी अन्याय को लेकर आज इन लोगों ने अपने 6 हजार जवानों के साथ धरना प्रदर्शन जारी किया है, लेकिन इनको इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। इनको देखा जाए तो आजाद मैदान में इनको रोकने से टाल दिया जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई भारी हो जा रही है। अब देखा जाए तो कितने जवानों को ये अरेस्ट करते और उनके साथ क्या कार्रवाई की। हम अभी यहाँ पर लगातार 18 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है। हर एक राज्य में हर एक जिले के जिलाधिकारी को यहाँ पे निवेदन दिया गया है, हर एक जिलाधिकारी को यहाँ पे निवेदन दिया गया है और वैसे भी आमदार खासदार सभी को निवेदन दिया गया है कि हमने बताया हमें जल्द से जल्द जल्द से जल्द हमारे 500 जवानों को जो निकाला गया है उनको ड्यूटी मिले। और हमें जो बताया गया था ट्रेनिंग के दौरान, हमें बताया गया था कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट के जवान हो, ऐसा हमको बताया गया था। लेकिन वैसा कुछ है नहीं, ट्रेनिंग करने करके आने के बाद जो देखा गया तो वहाँ पे वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। यहाँ पे वाशिंग मशीन से ड्यूटियाँ मिल रही है, जो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है मैडम आपको हमें बताइए। पूरे जन में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके बाएं कंधे पर राज मुद्रा है और वो 11 महीने के करार पर रखा जा रहा है। मुझे तो नहीं पता, मैंने कुछ पढ़ा है लेकिन उसमें तो कहा नहीं मिला। ये हमारे जो सीनियर अधिकारी है उनके नाम पे वो है, लेकिन हमारा जो है गृह खाते अंतर्गत ये सब आता है, उसके अंतर्गत हमें लिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सब बोर्ड बंगाल चल रहा है। हमने हमारे जो जवान थे, जो हमारे लीडर थे चने साहब और उनके साथ थे अपने पाटिल साहब, डॉक्टर पाटिल साहब, वो सब हमारे जवान वहाँ पे तैनात थे, वहाँ पे गए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने या महामंडल के कुछ अधिकारियों ने उनको कुछ आदेश देकर सब जवानों को यहाँ से वहाँ कर दिया है। कुछ को जेल में डाल दिया था और कहा को बाकी जवानों को इधर उधर कर दिया था, इसलिए हम वहाँ से मौका नहीं निकल पाए। और अभी आप देख रहे हैं कि वैन भर के लेके जा रहे हैं। ये हम पे बहुत अन्याय हो रहा है मैडम, आपने देखना चाहिए कि हमारे तरफ से आपने बोलना चाहिए। कैमरा पर्सन सागर चौधरी के साथ राशि चौधरी, बॉम्बे।